हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे जितने भी आप बर्तन फिलहाल सामने उस क्रेट में देख रहे हैं, ये वो बर्तन हैं जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। और ये पूरा शॉपिंग हॉल जो है मैंने आपके साथ शेयर भी किया है चैनल पे। इन केस आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बर्तन है उनको मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट कर रही हूँ। जो डिश वॉशर में जा सकते हैं उनको एक तरफ रख रही हूँ और जो मुझे हैंड वॉश करने हैं उनको मैं सिंक की तरफ रखती जा रही हूँ। साथ ही यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट काम है, वो है बर्तनों के ऊपर से स्टिकर उतारने का। ऑलमोस्ट हर बर्तन के ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है और कई बार अगर हम उसको पील करते हैं तो वो थोड़ा सा रह जाता है या गम रह जाती है। तो इसका एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा हैक है कि आप स्टिकर को जो है वो थोड़ा सा गर्म करें या फिर जो यूटेंसिल है, बर्तन है, उसको आप थोड़ा सा वार्म कर लें तो उससे जो गम होती है, ग्लू लगी होती है, वो पिघल जाती है और फिर आप केयरफुली उस स्टिकर को उतार दीजिए। ध्यान रखना है क्योंकि जब गम गर्म होती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म होती है और कई बार हाथ जल जाता है, तो केयरफुली ये वाला स्टेप आपको करना है। इन केस अगर आपको लगता है कि स्टोव टॉप के ऊपर जो है वो ज्यादा हीट अप हो जाता है तो आप हेयर ड्रायर से भी स्टिकर को थोड़ा सा वार्म करके और उसके बाद केयरफुली उसको पील कर सकते हैं। तो जितने भी स्टिकर थे, यू नो, हर थाली के ऊपर, प्लेट के ऊपर, ग्लास के ऊपर, सब के ऊपर थे, यही निकालने में मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लग गए थे। तो इट इज क्वाइट अ बिग टास्क। वेल, चलिए कोई बात नहीं, करना तो सारा ही काम है। और आप शायद देख रहे होंगे कि मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही हूँ, तो ईवी यहीं पर है किचन में मेरे साथ और बीच बीच में उसको भी एंटरटेन करना होता है। जो टॉयज उसको दे रखे कई बार वो गिर जाते हैं तो वो उठा कर देने हैं। पहले दिन में उसकी जो है वो 2-3 नैप होती थी तो मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता था, लेकिन अभी उसकी जो नैप है बस वो 2 ही हो गई हैं। कभी कभी तो वो स्ट्रेच में 1 घंटा सो जाती है, कभी वो 10-15 मिनट में ही उठ जाती है, तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है। बट एनी हाउ किसी ना किसी तरह से काम जो है वो मैनेज करना ही होता है। तो कभी कभी वो खेलती रहती है, बैठी रहती है, कभी उसको ये होता है कि हाँ बस प्रॉपर अटेंशन चाहिए कि गोद में लेके बैठो, मेरे साथ खेलो, तो तब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अदरवाइज उसका बाउंसर हुआ, बैम्बो सीट हुई, वो सब मैं यहीं रख के और वो अपना खेलती रहती है। बट नाउ शी स्टार्टेड क्रॉलिंग, तो वो ज्यादा देर एक जगह टिक के बैठती नहीं है, उसको इधर उधर घूमना होता है। वेल, कोई बात नहीं। तो जितने भी बर्तन थे डिश वॉशर में आने लायक, स्टील के जो बर्तन है वो डिश वॉशर सेफ होते हैं, आप लगा सकते हैं वो, और सुबह के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस जो लोएस्ट सेटिंग है और मिनिमम टाइम इसमें लगता है, इस साइकिल पे मैं इसको रन कर दूंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बर्तन कुछ गंदे हैं, बस ये है कि नया बर्तन है, बिना वॉश किए यूज नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए मैंने डिशवॉशर में लगा दिया। तो आधे पौने घंटे में ये अच्छे से धुल के और सूख भी जाएंगे, क्योंकि इतना गर्म पानी होता है ना वो, और उसके बाद जैसे ही आप डिशवॉशर खोलते हैं तो वो एकदम से ही सूख जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, दुनिया भर के खिलौने आप बच्चों को दे दो, महंगे से महंगा दे दो, लेकिन उनको मजा जो है वो चम्मच, कटोरी और प्लास्टिक का कुछ भी दे दो और ऐसी उल्टी सीधी चीजों में उनको मजा आता है। तो बैम्बू सीट में बैठ के नहीं खेली है, इस क्रेट में बैठ के वो खेल रही, और लगभग आधा घंटा बैठ के वो खेली होगी जब तक मैंने किचन का सारा काम निपटाया। तो ये हाथ वाले बर्तन है जो मुझे क्लीन करने हैं, ये मैंने सुबह ही साफ करके रख दिए थे और इनको वाइप कर दिया है। तो जो हाथ से धुलने वाले बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन करके और यहाँ पे रैक पे लगा दिया, तो ये भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद जो कबर मुझे सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज करनी है वो है ये वाली। कितना भी इसको ऑर्गेनाइज करके रखो लेकिन पता नहीं कैसे ये जंक कबर्ड बन जाती है, और इसमें ऊपर कुछ इस तरह के जार रखे हुए हैं जो एम्प्टी हैं, तो मिसलेनियस सामान है। सिर्फ जो नीचे वाली शेल्फ है वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहती है कि नमकीन, बिस्किट और लड्डू वगैरह ये रखे हुए हैं, तो वो मुझे पूरी ऑर्गेनाइज करनी है। इसके साथ एक ये वाली जो कबर्ड है, तो इसमें एक ऊपर वाली शेल्फ में तो मैंने डेली के यूज होने वाले जो इलेक्ट्रिकल्स हैं वो रखे हैं, और जो नीचे वाली है इसमें भी अगेन मिसलेनियस सामान है, और यहाँ पे मैंने
आलू प्याज वाली एक विकर बास्केट रखी हुई थी। शायद अगर आपने मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली वीडियो है वो देखी हो तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो मैंने यहाँ से हटा दी है क्योंकि ओवन की वजह से हीट लगती थी उधर की तरफ और जो आलू थे वो बहुत स्प्राउट हो जाते थे। इसके बाद एक ये वाली कबर्ड है जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, लेकिन मुझे इसमें शेल्फ डिवाइडर जो है वो बड़ा लगाना है ताकि मैं इसका वर्टिकल स्पेस पूरा अच्छे से यूज कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं किचन को ऑर्गेनाइज करने की। और ऑर्गेनाइज करने का जो सबसे पहला रूल ये है कि आपको जो स्पेस है वो पूरा एम्प्टी करना है ताकि आपके सामने एक ब्लैंक कैनवस हो जिसपे आप अच्छे से ड्रॉ कर सकें। अगर आप एक दो चीजें निकाल के इधर की उधर करेंगे तो वो फिर से मैसी लुक क्रिएट करेगा। तो अगर आप कुछ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो पहले सारी चीजें निकालिए। आई नो इट इज टफ और थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, लेकिन जब तक सारी चीजें नहीं निकालेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि क्या चीज कहाँ पे रखनी है। तो पूरी की पूरी जो कबर्ड है वो मैंने यहाँ पे इसका सामान निकाल दिया है और एक दो चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर भी हो रही हैं, जैसे कि ईवी का ये ग्रेप वाटर रखा हुआ था तो शुरुआत के ही महीनों में उसको दिया लेकिन वो रखा हुआ था तो वो डिस्कार्ड करना है। और इसके बाद जो आपकी शेल्फ वगैरह होती है इनको आपको अच्छे से वाइप करना है। और ये देखिए मैं आई थिंक एक दो महीने बाद वाइप कर रही हूँ इसको और कुछ भी ऐसे ग्रीस वगैरह नहीं है क्योंकि एक तो बंद ही रहती हैं और अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहें तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का काम नहीं बढ़ता है। तो वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और इसके बाद जो ऊपर वाली शेल्फ है इस पर मैंने सामान रख दिया है। तो ये वो यूटेंसिल बोल दो या फिर केस बोल दो जो रोजमर्रा में यूज नहीं होने हैं, जो कभी कभी यूज होंगे तो उनको मैंने टॉप शेल्फ में रख दिया है। इसके बाद जो और सामान निकले जैसे कि कुछ ये बेकरी का था तो मैंने एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया है। तो ब्रेड और जो बेकरी की कुछ एक चीजें होती हैं जैसे मैं अद्वी को स्कूल में स्नैक वगैरह देती हूँ तो वो मैंने उस बॉक्स में रख दिया है। इसके बाद ईवी के कुछ फ्रूट पाउचेस वगैरह थे, ये मैं रखती हूँ इन केस बाहर जा रहे हैं, एकदम से कहीं जाना पड़ जाए या कभी ऐसा हो कि मैं उसके लिए कुछ कुक नहीं कर पाई हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ हो कि मैं उसको खिला दूँ। तो वो भी मैंने एक बॉक्स में करके और उसको मैंने पेंट्री में रख दिया, यहाँ से हटा दिया है। इसके बाद यहाँ पे अचार घर के आए हुए तो इन अचारों को मैं फिल कर रही हूँ। और ये जो जार्स हैं ये मैं खरीद के लेके आई थी और शायद मैंने अपने ग्रोसरी शॉपिंग हॉल में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था इंडिया जाने से पहले। तो ये वही जार हैं और इनको बस अब मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी। और जो शेल्फ डिवाइडर था वो भी मैंने उस वाले हॉल में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अचार जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ कि कांच के जार में ही रखूं, प्लास्टिक में ना रखूं, लेकिन घर से जो है वो प्लास्टिक के जार में ही मुझे लाना पड़ा था क्योंकि कांच का फिर बहुत वजन हो जाता और फिर टूटने का भी डर रहता ही है। तो मैंने रिफिल कर दिया और जो बाकी का अचार उस प्लास्टिक के जार में बचा है वो मैंने बड़ी ग्लास बॉटल में करके रख दिया है। और यहाँ पे जो है मैंने अचार के ऊपर लेबल लगा दिया है, सब्जी का अचार और मिर्च का अचार। इसके साथ ही यहाँ पे अभी मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रही हूँ जो एक्चुअली हमने कल रात लगाई थी, वो है एक्सेंस का ये वायरलेस इंटरलिंक कॉम्बिनेशन स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म। तो कई बार होता है ना कि घर में धुआं हो गया है लाइक किचन में और तीन हमारे घर में ऑलरेडी पहले से ही लगे हुए हैं तो सेफ है, लेकिन फिर भी हमने और एक दो जगह पे हमको लगाने थे जहाँ पे हमें डर था कि हाँ यहाँ पे भी कुछ भी इलेक्ट्रिक कुछ भी हजर्ड है या कुछ भी हो सकता है, तो एक सेफ्टी पर्पज के लिए। तो यहाँ पे इस पैकेज के ऊपर सारी चीजें मेंशन है कि किस किस तरह से कितना टेम्परेचर होना चाहिए एवरीथिंग। मैं इसका लिंक दे दूंगी, ये अमेजोन से लिया है हमने और इसी ब्रांड का जो है वो हमने घर में मोशन डिटेक्टर वगैरह भी लगाया था तो वो बहुत अच्छा निकला तो इसीलिए फिर ये लिया हमने। तो एक्सेंस का है, इसके साथ जो है ये यूजर मैनुअल आता है और 10 ईयर सील बैटरी जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी लगी होती है। और बिल्कुल पूरा मैं इसका वर्किंग वगैरह जो है वो आपको दिखा दूंगी और मैनुअल के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में सारी चीजें हैं एंड इट इज सो इजी टू असेंबल एक्चुअली। और एक पैकेट के अंदर आपको ये
तीन अलार्म मिलते हैं और इसको आप वॉल के ऊपर भी लगा सकते हो, इसको आप छत पे लगा सकते हो। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लेवल आता है या फिर आपके घर में स्मोक होता है तो ये एकदम से डिटेक्ट करेगा और ये बज करने लगेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे अगर कुछ फॉल्ट हुआ है तो आप डिटेक्ट करके और अगेंस्ट जो है वो आप एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये, उसमें सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पे पीछे की तरफ इसमें ऑन ऑफ का बटन है, उससे आपको ऑन करना है, इसको टेस्ट करके देख लें। और इसके साथ ही आपको इसको हैंग करने के लिए या फिर इसको वॉल फिक्स या रूफ फिक्स सीलिंग फिक्स करने के लिए इसमें इन्होंने ये स्क्रू वगैरह सारी चीजें दी हुई हैं। वैसे तो नॉर्मल स्क्रू से भी हो जाता है बट इन्होंने ये गिट्टी वगैरह जो है वो सब कुछ दी हुई है, सो इट इज क्वाइट ईजी एक्चुअली। तो ये फ्रेम जो है ये आप छत के ऊपर या दीवार के ऊपर फिक्स करते हो और इसके बाद जो ये कंट्रोलर है ये इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो बस अब इसको लगाने का हम प्रोसेस शुरू करते हैं। अगेन इसका लिंक मिल जाएगा और मैं जब भी कुछ इस तरह की चीज़ लेती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है या सेफ्टी पर्पस के लिए इट इज़ रियली गुड, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि क्लिप रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये काम हम लोगों ने एक्चुअली पहले दिन किया था बट मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी थी तो सोचा कि चलिए किचन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किचन में ही काम करते हुए कई बार बढ़ हो जाती है तो डर लगता है बहुत ज्यादा, तो ये स्मोक अलार्म जो है वो हर घर में होना ही चाहिए। तो हमने एक अलार्म जो है वो लगाया है अपने यूटिलिटी एरिया में, क्योंकि ड्रायर यहाँ पर है, वॉशिंग मशीन है यहाँ पर, कभी भी कुछ भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है तो इसीलिए यहाँ पर नहीं था तो हमने यहाँ पर एक लगाया है। इनकेस अगर कुछ होता है तो एकदम से अलार्म बजेगा और हमें पता लग जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन लिया जा सकेगा। तो सीलिंग में इसको लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ड्रिल से जो है वो छोटा सा एक होल करा है और इसके बाद गिट्टी लगा के और इसके बाद जो स्क्रू इसमें आता है बस वो टाइट कर देना है। इवन दो नॉर्मल स्क्रू जो है ना बिना गिट्टी लगाए भी आप आराम से कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी इंस्टॉलेशन। बस ये है कि हाँ छत वत का काम होता है तो किसी की हेल्प थोड़ी सी चाहिए ही होती है, अकेले हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो इसको लगाने लग रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी जो लाइट है वो फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ये एलईडी बल्ब है तो जब भी इस तरह से कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन शो करता है बट रियल में ऐसा नहीं हो रहा था, वो सिर्फ कैमरा में शो करता है। आई डोंट नो कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्मोक अलार्म है बस वो हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। इसके अलावा हमारे स्टोर रूम में भी एक लगा हुआ है, किचन में भी है और पोर्च एरिया में लगा हुआ है, एटिक में लगा हुआ है, स्टेयर रूम में लगा हुआ है, तो इन जगह पर पहले से ही लगे हुए थे लेकिन कुछ एक जगह थी जहां पर ये नहीं लगे थे। तो इसको फिक्स करने के बाद हस्बैंड ने एक बार टेस्ट करके यहाँ पे देखा, इस पर बटन है एक टेस्ट वाला तो वो टेस्ट करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली फिर जो है वो आवाज भी आती है और उससे पूरे जो साउंड उसकी है ना वो काफी लाइक नॉइजी होता है, तो आप अगर तीसरी मंजिल पर भी हैं तो भी आपको पता लग जाता है। और ये तीनों अलार्म जो है ना वो इंटरलिंक्ड है, अगर इनकेस यूटिलिटी एरिया में कुछ होता है, फॉल्ट होता है, यहाँ पे आग लगती है तो इससे कनेक्टेड जो बाकी के तीन अलार्म है वो भी एक साथ बज करने लगेंगे तो आप कहीं भी हो आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो एक हमने यहाँ लिविंग रूम में लगाया है क्योंकि लिविंग रूम जो है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर नहीं लगा हुआ था और टीवी भी यहीं पर होता है, कई बार फ़ोन वगैरह लगे होते हैं, फिश टैंक यहीं पर है और एक फाउंटेन है वो भी यहीं पर है तो इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है तो यहाँ पे हमने एक ये लगा दिया है। और जो तीसरा वाला है वो हमने लगाया है यहाँ पे लैंडिंग स्पेस पे क्योंकि यहाँ लैंडिंग में कोई भी स्मोक अलार्म नहीं था तो यहाँ पे हमने एक ये फिक्स कर दिया है। सो हाउस इज कम्प्लीटली सेफ नाउ, जो मोशन कंट्रोलर वगैरह हैं, डिटेक्टर हैं, वो सब भी हमने पहले से ही लगा दिए थे, अब ये स्मोक अलार्म जो है ये भी लग गया है तो धीरे धीरे जो है वो हम काम करते जा रहे हैं एक हाउस को
होम बनाने में, मकान को घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और बहुत सारा काम करना पड़ता है। खैर चलिए वापस आते हैं फिर आज के टाइम में। और एक्चुअली इसी बीच में जो है वो ईवी को फीड करा के उसको सुलाया भी है, तब तक आप लोगों ने ये देखा। और अभी मेरी काइंड ऑफ ये सेकंड इनिंग यहाँ पे चल रही है बीच में ऑलमोस्ट एक घंटे के ब्रेक के बाद। तो अब मैं जो है इस वाली शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो जो भी सामान यहाँ पे रखा हुआ था वो सारा का सारा निकाल के एक बार मैं इसको वाइप डाउन कर दूंगी और जो शेल्फ डिवाइडर है वो मैं लगाऊंगी। जो इससे पहला शेल्फ डिवाइडर था वो सिर्फ पीछे के एरिया को कवर कर रहा था, लेकिन जो फिलहाल मैं रखने वाली हूँ वो पूरी शेल्फ को कवर करेगा। तो मुझे पूरा एक वर्टिकल स्पेस जो है वो काइंड ऑफ डबल मिल जाएगा और जितने भी अचार के जार हैं वो सारे के सारे फिट हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी 6 मेरे पास थे और अभी 4 जो है वो और ऐड होने वाले हैं। बल्कि एक दो जो है वो मैंने अभी फ्रिज में ही रखा हुआ है, अचार जैसे सब्जी का अचार जो बच गया था वो फ्रिज में ही रखा हुआ है, थोड़ा सा ही बस यहाँ पे मैंने निकाला है। और आम का अचार जो है वो अभी पहला भी रखा हुआ था, तो अभी नया आम का अचार जो इस बार लेकर आई हूँ वो शुरू नहीं हुआ है, तो अभी मैंने वो रिफिल नहीं किया है। बट जैसे जैसे रिफिल करती जाऊंगी तो वो सारे के सारे जार यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। तो ये वाली जो कबर्ड थी ये मैंने ऑर्गेनाइज करी और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। यू नो इन शेल्फ को आप चेंज कर सकते हो इनकी हाइट, तो मैंने ऊपर वाली जो है वो थोड़ी सी छोटी कर दी ताकि ये जो ब्रेड वाला बॉक्स है ये अच्छे से आ जाए। और ये वाली भी मैंने अच्छे से कर दी है और ऊपर की तरफ आप देख रहे हो कि अचार का जो सिमिलर जार है वो मैंने लगा दिया और बाकी 3 जार की जगह अभी और है इसमें। और इस बार मैंने अचार के जार्स में थोड़ा सा स्पेस दिया है बीच में, पहले मैंने बिल्कुल मिला के रख दिए थे, तो जब कभी भी निकालना होता था ना तो वो एक पहले निकालो फिर दूसरी बॉटल को निकालो, तो इस तरह से इस बार थोड़ी जगह छोड़ दिए ताकि दूसरा जार जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और ये जो नीचे वाली शेल्फ है ये तो मैंने एक्चुअली काइंड ऑफ एज इट इज ही रखी है। और जितने भी इलेक्ट्रिकल्स थे जैसे कि मेरा यहाँ पे मैनुअल चॉपर भी है, मिक्सर भी है, योगर्ट मेकर है, ये ऑलमोस्ट मुझे डेली चाहिए होते हैं, ये मैंने नीचे वाले शेल्फ में रख दिए हैं। और बिहाइंड एवरी ऑर्गेनाइज्ड किचन देयर इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स, जो आपने अभी काउंटर टॉप पे देखी है, जब भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसी तरह की चीजें होती हैं। वेल अब जो है वो मैं बर्तन लगा रही हूँ, तो जो स्टील के ग्लास का सेट है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। मे बी एस्थेटिकली ज्यादा प्लेजेंट ना लगे बट इट इज फंक्शनल विच आई नीड एक्चुअली, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद जो वो नीचे वाली कबर थी उसकी जो ऊपर वाली शेल्फ है वहां पे अब मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी। तो ये मैंने आइकिया से एक्चुअली एक ना लिड होल्डर बोल लो या फिर एक डिवाइडर है जिसमें आप बहुत सारी चीजें रख सकती हो, तो ये मैंने यहाँ पे लगा के देखा और उसके बाद जो फाइनल लुक है वो एक्चुअली आप देखेंगे कि वो कुछ और है। यहाँ पे फिर मैंने दूसरा डिवाइडर लगाया क्योंकि वो वर्कआउट नहीं कर रहा था। तो यू नो हाउस इज जस्ट लाइक ए पजल, आप चीजें लगा लगा के देखते हो, नहीं समझ में आता तो फिर आप कुछ और तरीके से करते हो। तो इस डिवाइडर में मैंने सारी स्टील की प्लेट्स वगैरह लगा दी है, जो ऊपर से शेल्फ डिवाइडर निकला था वो यहाँ लगा दिया है, ऊपर की तरफ बोल्स वगैरह रख दी है और नीचे वो चीजें रखी है जिनकी रोज जरूरत नहीं पड़ती है, और सामने जो है वो छोटा थर्मस और स्टील की बॉटल वगैरह वो मैंने रख दी है। तो ये वाली शेल्फ जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। और इस पूरी किचन को लाइक ये मेनली 3 कबर्ड थी जो मैंने ऑर्गेनाइज करी है, यू वोंट बिलीव 2.5 hours मुझे को लगी गए थे एक्सक्लूडिंग दैट ब्रेक। खैर फाइनली सब कुछ हो गया है और लंच टाइम यहाँ पे हो रहा है। जिस दिन मुझे इस तरह का एक्स्ट्रा काम होता है उस दिन मैं खाना जो है वो पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ही मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने आलू ब्रोकली की सब्जी बनाई थी, साथ ही मैंने राजमा मसाला बनाया था। दोनों रेसिपीज जो है वो ऑलरेडी चैनल पर है। नान जो है वो स्टोर बोट है, मैंने नहीं बनाई है। राइस बस मैंने बनाया है और साथ में है प्लेन दही। तो ये था हमारा आज का लंच और
जो बहुत ही डिलीशियस था, और किचन जो है वो जब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है तो बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद बस खाने वाने का काम निपटा के मैंने एक बार काउंटर टॉप जो है वो अच्छे से क्लीन कर दिया है, एंड टोटल मेहनत वसूल। जैसे ही आप कबर्ड खोलते हो वो ऑर्गेनाइज आपको दिखती है, इट इज सो सेटिस्फाइंग। किस किस को ऐसी सेटिस्फाइंग फील आती है कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे साहब जो है वो भी आ गए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। तो चलिए बस एंड करती हूँ इस वीडियो का। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।